नमस्कार। क्राइम फ्री भारत के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप हमारे सामने जो शख्सियत हैं, श्री ललित शास्त्री जी, वह जाने माने पत्रकार हैं। कम से कम जो है भारतवर्ष में उनको कोई ना जाने ये संभव नहीं है। हिंदू से लेके तमाम जगहों पे उन्होंने बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं। बहुत ही सकारात्मक चिंतन के व्यक्ति हैं। देश में एक सार्थक परिवर्तन के लिए चिंतनशील हैं, प्रयासशील हैं। आइए उनसे जो है ना विस्तार से बातें करते हैं। और सबसे पहले मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने ही शब्दों में थोड़ा अपना परिचय दें, सो दैट जो हम आपकी पर्सनालिटी के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं उसे हम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। आपने बहुत कुछ मेरे बारे में तारीफ कर दी, मैं तो बिल्कुल आई फील हम्बल्ड, थैंक यू। देखिए, मेरा भी एक जो जीवन है वो उसकी एक अपनी कहानी है, और वो कहानी पूरी डिवोटेड है राष्ट्र निर्माण की तरफ, राष्ट्र के प्रति समर्पण की तरफ, और भावी पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाने की कि कोशिश तो ये रही है कि एक हम बेहतर दुनिया छोड़ के जाएं अपने बाद, क्योंकि हम छोड़ के कुछ नहीं जाते, हम सिर्फ एक बेहतर दुनिया छोड़ने की दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। तो मेरी पूरी जीवन जो है पत्रकारिता वो डिवोटेड रही टू इम्प्रूव द सिस्टम, टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और हालात सुधरें, और अगर जिन कारणों से हालात बिगड़ते हैं उनकी तरफ जनता का, पॉलिसी मेकर्स का, लॉ मेकर्स का किसी तरह से ध्यान खींचा जाए। और मैं सोचता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट था, मुझे एक लंबा समय मिला, लगभग 2 दशक मैं भारत का जाने माना अखबार है द हिंदू, उसका मैं मध्य प्रदेश का ब्यूरो प्रमुख रहा, और उसके बाद द एशियन एज में रहा, और एक लंबे समय तक पत्रकारिता से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता था पब्लिक अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए और तमाम विषयों को लेकर के, जिसमें जहां तक सिविल सोसाइटी होती है, जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, अगर अकाउंटेबिलिटी है तो कितनी है, कम है तो क्यों है, और कहां कहां लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जाना चाहिए, और उसके अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सबकी तरफ एक बड़ी पैनी दृष्टि से रह करके मैंने काम किया। और इनके अलावा सारी दुनिया आजकल बात कर रही है क्लाइमेट चेंज की, किसी तरह से हालात को सुधारने की क्लाइमेट को लेकर के, तो मेरा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स, रिवर सिस्टम्स, इनके ऊपर मैंने गहन अध्ययन किया, और आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, और कोशिश करना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कमियां हैं, कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो वो सबको लोगों के सामने ला करके, उद्देश्य होता है कि अवेयरनेस बिल्ड होगी अगर, तो हम हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हम जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है, तो जनता जब अवेयर होगी तभी वो इम्पावर्ड होगी, तभी वो वोट देने के लिए सही फैसले करेगी, और इस उद्देश्य को लेकर के मैंने अपना जीवन लगाया है और इसी दिशा में आज भी काम कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच शास्त्री जी, आपने सबसे पहले तो अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर मैं जो आपने बात रखी है उसमें एक बात कहना चाहता हूं, हम और आपकी क्षमता कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की बहुत ही कम और बहुत ही कम है और बहुत ही सीमित है, क्योंकि हम जो अपने आप को लिटरेट कहते हैं एक्चुअली में हम लोग लिटरेट है ही नहीं, क्योंकि आपको तो गलत चीजें सिखाई गई, तो हम लोगों को सबका ज्ञान जो है ना गलत है, दैट नीड डी लर्निंग। आप ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को बहुत पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था 21 अक्टूबर को, राइट? उसको मेघा से 9 या 11 दोस्तों ने मान्यता भी प्रदान कर दी थी, इसमें उनके 26,000 साथी भी मारे गए। ये कितनी विडंबना की विषय है कि हमने उस इतिहास को ही बदल दिया। तो आज इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी एक आध सेशन जो है वो इस इतिहास के बारे में कहेंगे, कभी जो है ना इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या महात्मा गांधी जी सच में राष्ट्रपिता के लायक थे, क्या उनका चरित्र पिता के लायक था, या ये महिमा मंडन का एक क्रिएशन है, क्या ये अंग्रेजों की साजिश का हिस्सा था, अदरवाइज गांधी जी ने क्या कारण था कि यूनाइटेड यूके के जो किंग है उनके प्रति अलीजियंस का जो ना प्रस्ताव कांग्रेस में संपादित किया,
जब 12-14 साल पहले आपने प्राथमिक सदस्यता से यदि त्याग पत्र दे दिया, तो क्या कारण है कि आप हर अधिवेशन में जो है ना सम्मिलित रहे और हर अधिवेशन में आपने डिक्टेट कराया? क्या कारण है कि जो राष्ट्रीय गान, जो कि जॉर्ज पंचम के लिए जो है गाय की स्तुति का गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो वो जो है ना वो आपके भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं? आप जो है ये आपका राष्ट्रगान कैसे हो सकता है जो किसी दूसरे की स्तुति कर रहा है? सही मात्रा में जो बंकिम चटर्जी जी का जो राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम सफलाम सुजलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, दैट इज इट इन ट्रू सेंस इज ए वर्शिप ऑफ अवर माता। अब जब बौनिक चरित्र के लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनको कि जीरो वोट मिला है, वो जो है महात्मा गांधी जी के चरित्र को दर्शाता है। कैसा चरित्र था उनका? उन्होंने कहा कि जो है हम जो है ना दो देशों में नहीं बंटने देंगे, और हमारी मौत पे और हमारे शरीर पे हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ग्राउंड पे। जब जो है वर्किंग कमेटी में 15 जो है सदस्य थे जो कि प्रांतीय उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें से 14 वोट पड़े, 12 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 वोट जो है वो कृपलानी को मिले, जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला। क्या महात्मा गांधी की मजबूरी है? इसलिए ठीक कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आई डोंट नो वो किसकी मजबूरी ढो रहे थे, आई डोंट नो कि जो है क्या है, क्योंकि ये जो भी आपके सामने बनाया गया ये मेहमा मंडन है। अदरवाइज बताइए कि जब आप आपके ऊपर अटैक कर दिया गया, महात्मा गांधी जी जो है ना अनशन कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए जो है ना पाकिस्तान को दे दिया जाए। कैसा चरित्र था ये जवाहरलाल नेहरू का कि वहां से जो है ना राजा करण सिंह जो है ना सॉरी राजा हरि सिंह जो है अनकंडीशनल जो है ना वो भेजते हैं, और ये व्यक्ति उसे जो है ना कचरे में फेंक देता है, कहता है कि शेख अब्दुल्ला जो है ना जब इसको लेके आएंगे उनको आप प्रधानमंत्री बनाइए, तब हम इसके बाद करेंगे। जब आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि जो फील्ड मार्शल रिचर्ड मानेकशॉ ने इस बात पर काफी जोर दिया, और किसी की ने किताब लिखी है, मेरे ख्याल से प्राम शंकर झा ने लिखी है, किसने लिखी है आई डोंट रिकलेक्ट प्रॉपरली, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि सरदार पटेल जब इन्होंने नहीं माना इस बात को, तो राजा हरि सिंह ने दोबारा जो है वो जो है प्रपोजल ऑफ एनेक्सेशन भेजा, एग्रीमेंट ऑफ एनेक्सेशन भेजा, और इस बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं भेजा, इस बार उन्होंने जो है ये शेख अब्दुल्ला को बाहर भी निकाला, उनको जो है ना वो भी बना दिया, और उनको प्रतिनिधित्व में जो है ना ये उन्होंने सीधे भेजा लॉर्ड माउंटबेटन को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय विदेश को भी देख रहे थे, और जो है ही वाज द चीफ ऑफ द आर्मी, ही वाज द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी। तो जब जो है लॉर्ड माउंटबेटन के पास जो है ना ये एक्सेशन का सर्टिफिकेट पहुंचा या एग्रीमेंट पहुंचा, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को बुलाया। सरदार पटेल अपने साथ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल मानेकशॉ बने, उनको साथ में ले गए। वो जैसे ही ये बात सामने आई तो वो नेहरू जी अपने फिलोसफिकल अंदाज में कि यूनाइटेड नेशंस है, ये है वो है फलाना है, तो सरदार पटेल चूंकि उनसे 14-15 साल बड़े थे, तो उन्होंने झिड़कते हुए कहा कि नेहरू तुझे कश्मीर चाहिए या नहीं, जिसमें उन्होंने कहा जी हाँ। तो सरदार पटेल ने लेफ्टिनेंट कर्नल, तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर मानेकशॉ से कहा कि आपको अपने प्राइम मिनिस्टर का आदेश मिल गया है, बट फॉर योर बेटिंग गो, एंड दैट्स हाउ जो है ना अवर आर्मी मूव्ड एंड एयरफोर्स मूव्ड एंड दैट इज दैट स्टोरी नॉन टू यू। एंड जब जो है आर्मी ने कहा कि मुझे, अच्छा आर्मी की को भी कहा कि नहीं साहब आप जो है ना उस टेरिटरी के बाहर नहीं जाएंगे, या नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो आर्मी ने 3 दिन का समय मांगा कि 3 दिन में हम पूरे कश्मीर को जो है ना एक कर देंगे, 3 दिन। तो नेहरू ने जो है शेख अब्दुल्ला से बात की, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई जो जिस भाग की आप बात कर रहे हैं उस भाग में तो मुझे कोई नेता ही नहीं मानता है। तो शेख अब्दुल्ला को नेता बनाए रखने के लिए आदमी को अपना काम नहीं करने दिया गया। क्या हम इतने घटिया चरित्र के लोगों को जो है ना झेलते आए हैं, उनका मेहमा मंडन होता रहा है, हमारे इतिहास को बदल दिया गया है? इस बात का रिकॉर्ड है कि जब उस समय जो है कोई कश्मीर में जाता तो उससे परमिट लगता था, बिना परमिट के स्वामी प्रसाद जो है श्यामा प्रसाद जो है उपाध्याय क्या नाम था मुखर्जी को,
कैसे जो है ना प्रवेश करने दिया, हाउ द कलेक्टर एंड पूरी जो है ना आर्मी जो है ना पूरे सभी लोग जो है ना उसको फैसिलिटेट करके कश्मीर में ले गए, एंड देन हाउ ही वाज ट्रीटेड, इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड कंस्पायरेसी एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इस बारे में बहुत सारा लिटरेचर नाउ अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम लोग जो लर्नेड लोग हैं वो हम लोगों को पुनर्शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि जो हमने सीखा है वो तो गलत सीखा है। हमारा बड़ा सुनहरा इतिहास हमसे छिपा लिया गया है। इस मुद्दे पे कभी दोबारा बात करेंगे। मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं ये मेरा ये बहुत assertively मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, गलत ढंग से पेश किया गया, और सिर्फ एक जनरेशन नहीं, 70 साल में हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर 3 साल में वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और हर साल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और हर साल लोगों के बच्चे नई किताब खोलते हैं इतिहास की और पढ़ते हैं, और हर नई किताब में वही तोड़ फोड़ के इतिहास को प्रेजेंट करना, किसी को महिमा मंडित करना, किसी का नाम भी ना लेना, और हम अपने स्वर्णिम इतिहास हमारे लिए पूरा तरह से ढक दिया गया और गलत बातें प्रचारित की गई, और आज ये कहा जाता है ना सो कॉल्ड लिबरल्स और ये और फला बातें फैला रहे हैं, ये सब अधकचरी नॉलेज पे बेस्ड है। और जो आपने कहा कि दोबारा इतिहास लिखा जाना चाहिए और इसका रिविजन नहीं होना चाहिए, ये नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। और उसमें एक बात बोलूंगा, अब आप चले जाइए, एक बड़ा दो लाइन पढ़ा दी जाती है, मोपला रेबिलियन का इतना विभत्स इतिहास है, इतना बर्बर वो चैप्टर है, और गांधी क्या अप्रोच थी मोपला के बारे में, किस तरह से उन्होंने खिलाफत के साथ उनको जोड़ा, किस तरह से खिलाफत से टू नेशन थ्योरी की फाउंडेशन डाली गई भारत में, ये सब सबके सामने ये बातें लाई जानी चाहिए और व्यापक दृष्टि से इतिहास। क्या महात्मा गांधी जी आपकी नजर में किसी के एजेंट थे? मुझे तो ऐसा लगता है, जितनी भी बात जब मैं गहराई से देख रहा हूं, देखिए आपने कश्मीर की बात करी, तो कश्मीर में सन 30-31 में किस तरह से लाहौर के आसपास के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, किस तरह से वो कश्मीर की तरफ कूच कर रहे थे, गांव में जाकर के आगजनी करते थे, और उसके बाद तमाम ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास मौजूद हैं, ओरिजिनल नोटशीट्स रखी हुई हैं, जिसमें मैं देख रहा हूं कि कैसे धीरे धीरे धीरे, पहले उनका ये कहना था कि मुस्लिम, कुछ देर बाद वो कहने लगे कि जमीन हथियाने के लिए सिख लोग भी यही सब करते हैं। उन्होंने ओवरराइट किया नोटशीट पे लेटर ऑन, ये दिखाने के लिए कि कोई एक कम्युनिटी आगजनी नहीं करती, दोनों कम्युनिटी कर रही है। और उस समय 1944 में जिन्ना लाहौर में त्रस्त हो गए थे, उनकी पॉलिटिक्स चल नहीं रही थी, तो उन्होंने अपने को रीइन्फोर्स करने के लिए वो कश्मीर गए, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से मिले, इन लोगों में पैक्ट होता है। तो क्या कांग्रेस को ये सब नहीं दिख रहा था, क्या होता चला जा रहा था, गांधी को ये सब नहीं दिख रहा था? भाई नेहरू जी को क्यों नहीं दिखता, जो व्यक्ति इंटीग्रेटेड कश्मीर को सिर्फ इसलिए नहीं लिया हो क्योंकि वहां के क्षेत्र के लोग जो है शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानते थे, तो फिर देश थोड़ी बड़ा था। शेख अब्दुल्ला को कौन नेता मानता था, इस पूरी कंस्पायरेसी का हिस्सा है। आप ये बताइए 370 में कहां कोई बात लिखी गई थी जो इन्होंने 370 और वो सब डाली है। बाहर विदेश जाते वक्त ऐसे क्या कारण थे कि वो सरदार पटेल जी से कह के गए कि मैं चाहता हूं कि 372 आपकी जिम्मेवारी है कि 370 जो है ना को इंक्लूड कराइए आप। हाँ तो ये कश्मीर को अपवाद करके 370 क्यों बनाया, एक्सेशन तो सबके साथ साइन किया गया था। वही कह रहा हूँ, जब सरदार पटेल ने ये बात को सामने लाया तो क्योंकि सरदार पटेल का एक सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो सरदार पटेल के पर्सनल आश्वासन पे कि ये बहुत ही टेम्पररी क्लॉज है, दैट्स व्हाई इट वाज रिटन एज ए टेम्पररी क्लॉज। पहले ओरिजिनल में जो ना टेम्पररी वर्ड नहीं था, बिकॉज सरदार पटेल को लगा कि बिना टेम्पररी लिखे इसकी ग्रहता ही नहीं है। एंड जो है ना अपने आम्बेडकर साहब जो है वो जब ये प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसका अपोजिशन किया, ही वॉकड आउट। और सबसे बड़ी तो यार जो वो है कि संविधान हमारे घर की खेती है, जो 35 का है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, जिसको 35A कहते हैं, रूल 35A, ये कहां से आया? ये नेहरू जी के कलम से राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने 8 आपत्तियां की। ये दुष्ट व्यक्ति लिखता है कि आपकी आपत्तियों से मैं सहमत हूं,
हम लोग अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे, इसे जारी कर दिया जाए। जिसमें एक आपत्ति ये भी थी कि इसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, इसे किसी हाउस में नहीं लाया गया, इसे किसी हाउस में चर्चा नहीं की गई है। संविधान का कोई हिस्सा बिना जो है संवैधानिक अमेंडमेंट के कैसे हो सकता है? ये नेहरू जी के घर की खेती थी क्या? ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। अब 35A के एजुकेशन पार्ट पे देखें कितनी दुष्टता थी कि इसमें जो है, आपको मालूम है कब से लागू किया गया? डू यू नो दिस एग्जैक्ट 35A कब से लागू किया है आपको मालूम है क्या? 55-56 से हुआ होगा? नहीं, I'm not sure. It was implemented with effect from 1944. When was it introduced? 35A, when was it introduced? It was introduced, I think, in May 1954. इसको implement किया गया with effect from 1944. और आपको मालूम है 1944 क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो है पाकिस्तान से इस दौरान कश्मीर में भी पहुंचे, बाकी हिस्सों में भी पहुंचे, तो उनको नागरिकता ना देने के लिए इसको 1944 का जो है ना वो लिया गया, जो देश ही अस्तित्व में नहीं आया था उसमें 1944 जो है, मतलब कैसे हो सकता है? उसी में जो है आपने मेरे ख्याल से मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुना होगा, वो बड़ी बारीकी से कहते हैं कि कैसे जो है ना वहाँ पर जो है ना वहाँ पे जो स्वीपर करने के लोगों ने स्ट्राइक कर दी, और कैसे जो है ना बालमी कम्युनिटी के लोगों को पंजाब और वहां से ले जाया गया, उनको इन्होंने वो किया, इन्होंने 35A के तहत उसमें एक आदेश जारी किया कि ये जो है ना हमेशा भंगी रहेंगे। भंगी बर्ड जो है ये अनपार्लियामेंट्री है, असंवैधानिक है, ये अपने आप में संज्ञेय अपराध है। लेकिन इन्होंने ये गंदा अनपार्लियामेंट्री वर्ड को जो है ना अपने जो है ना 935A के तहत एग्जीक्यूट किया। एनीवे, आप ये बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने जांच के लिए कहा, इस दुष्ट ने कह दिया मैंने सब देख लिया है, क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कि इन्होंने जो है ना शेख अब्दुल्ला से मिलके कैसे उन्हें मरवाया है, ये फैक्ट सामने आ जाएगा। ये बताइए इस देश की क्या विडंबना नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री जो ना ताशकंद में मारे जाते हैं? आपको मालूम है कि इसमें जो इसके संदर्भ में 2 अरेस्ट जो है USR ने किए थे, आपको जानकारी है क्या? जानकारी है, हाँ। वो जानकारी अभी हुई होगी ताशकंद फाइल से या थोड़ी बहुत किसी से? इसके हाँ। पहले तो नहीं रही होगी, इसके पहले थी क्या? नहीं, एब्सोल्युटली, योर पॉइंटर इज वेल टेकन। सो मिस्टर कॉल का जो सर्वेंट था और जो है एक और 2 व्यक्तियों को जो है ना वहां पे कस्टडी में लिया गया था, एंड बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन। उसके बाद रफा दफा किसने किया, ये बड़ा प्रश्न है ना फिर। करेक्ट, उसमें क्या कारण है कि थोड़ी भी संदिग्ध परिस्थिति होती है आम आदमी के लिए तो पुलिस जो है ना पोस्टमार्टम कराती है। इस केस में मांग होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? इज इट नॉट ए पार्ट ऑफ ए बिगर कंस्पिरेसी? देश कब इस पे चर्चा करेगा? देश को कभी ना कभी तो इस पे चर्चा करना चाहिए। आपने बहुत ज्वलंत सवाल उठाया, देश कब चर्चा करेगा? तो क्या ये सारी बातें सिर्फ जैसा अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं यहां तक सीमित रहेंगी, या पुष्पेंद्र जी का भाषण, या फिल्म लग गई, फिल्म देख ली, ताशकंद फाइल्स देख ली, क्या सिर्फ ये डिस्कशन तक रहेंगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए मैं आज आपको जो है ना एक घोषणा करता हूँ। वैसे 2 घोषणाएं हैं, जो एक तो ऑलरेडी है कि वी आर ब्रिंगिंग CFB इंफोटेनमेंट मॉड्यूल आल्सो। ओके, तो उसका मकसद ये है कि जो डी कंपनी इंडिया वर्किंग फोर्सेस जो ना आपके चरित्र का जो हनन कर रहे हैं पोर्नोग्राफी के तहत, आपके सीरियल्स के तहत और फिल्मों के तहत, आप ये देखिए फिल्मों में ओपनली जो है ना मुस्लिम्स की महिमा मंडन किया जाता है, उसके बगल में जो ना हिंदू को खराब दिखाया जाता है। इट इज बीइंग डन ऑन द डी कंपनी, ये कंटिन्यूअसली और लगातार और बरसों से, शुरू से लेकर आज तक, और आज तक यही हो रहा है, आज तक यही हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अधिकांश सीरियल्स में ये परोसा जा रहा है कि डिवोर्स करेक्टर, इलिसिट रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, कंस्पिरेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो लेट मी से कि बहुत अच्छा फिल्मांकन कर रहे हैं
बहुत पास कैमरे ले जाके बहुत अच्छा विजुअल्स बना रहे हैं, लेकिन जो तक वो लोग इस हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लॉ उसको अभी इजाजत देने लगा है, जो जो आप प्रश्न उठा रहे हैं उसको, ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं एडिशनल डायरेक्टर जेएनपीए सागर था, तो उसमें हमने ट्रेनिंग में बहुत सारे सुधार किए, चीजें की, तो उसमें जो है हम देश के बहुत सारी जगहों से जो है उनको बुलाते थे गेस्ट फैकल्टी को। उस समय उतना प्रचलन में वो सब चीजें नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने चालू की थी। तो एक बंगाली जेंटलमैन, ही वाज द डीआईजी सीबीआई, उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया व्हाइट कॉलर क्राइम एंड स्कैम्स एटसेट्रा के बारे में। तो शाम को हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने एक बड़ी बात कही, हम जानबूझ के नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं। ही सेड, गुप्ता साहब जो है हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था, जो बहुत ही प्रोलिफिक राइटर था, बहुत अच्छा लेखक था, वो सडनली वो पोर्नोग्राफिक लिखने लगा, पोर्नोग्राफिक मटेरियल और काफी प्लंटी में लिखने लगा। तो उस इनको वो सब चीज देख के बहुत इनको कष्ट हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे उनके। तो इन्होंने उनसे कहा कि बहुत गालियां दी उनको, माँ बहन की छोड़ के बेकार से सभी गालियां दे डाली उनको। और जब उनका जो है तो उसके उनके मित्र ने कहा कि भाई तेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि तेरा गुस्सा जायज है। अब मैं तेरे को ये बताता हूं कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। तो ही सेड कि इस काम को करने के लिए हमें यूएस से बहुत पैसा दिया जा रहा है, आप सोच नहीं सकते हो इतना पैसा दिया जा रहा है। तो 2000 में, अब हम 2021 में हैं, 2000 में इंडिया के बाहर बैठी हुई शक्तियां आपके यहाँ पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है ना प्रोड्यूस करना चाहती थी। और अब तो फेसबुक वगैरह में देख लीजिए, जो है उनके जो है ना एजेंट लगे हुए हैं, यहीं की बच्चियों से, यहीं के लड़कों से, नौकरानी का, आइस का, उसका, इस तरीके का पोर्नोग्राफिक मटेरियल का भरमार पड़ा हुआ है। ये बहुत ज्यादा हो रही है, फेसबुक पे हो रही है और ट्विटर पे हो रही है, हर जगह तक हमने बहुत। ये दुष्ट जो है यूट्यूब वालों को, फेसबुक वालों को, जो आप अच्छी बात कहते हैं, तो ये कहते हैं इट इज वायलेशन ऑफ द कम्युनिटी नॉर्म्स। इन दुष्टों के लिए ये पोर्नोग्राफी जो है ना, इट इज ए कम्युनिटी नॉर्म्स, इसको क्यों ये लोग जो है ना नहीं रोक रहे हैं? सब दुष्ट है, यूट्यूब दुष्ट है, सब दुष्ट है, ये क्या दुष्ट, सब दुष्ट है। ये दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, ये पूरा पॉल्यूट कर रहे हैं। और इंडिया ब्रेक करने की आपने जो बात करी, और इस हद तक हो रही है कि जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको गले लगा रही हैं बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कल ही मैं तो नाम लेके बोलूंगा, जिस ढंग से अब कन्हैया कुमार, जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी, वो कांग्रेस के अंदर वेलकम किया जाता है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनको अपनी तरफ लेता है। और मुझे उस पर अच्छे से याद आता है, एक बार भोपाल में दिग्विजय सिंह कैंडिडेट बने लोकसभा के, तो एक कांग्रेसी बड़े नेता कहते हैं अब तो हम कन्हैया कुमार को बुलाएंगे भोपाल कैंपेनिंग के लिए। तो मैंने कहा जरूर बुला लीजिए, अगर 5 वोट मिलने होंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। और जो उनकी इति हुई उस चुनाव में वो सबके सामने है। तो ये एक्सपोज भी हो रही हैं फोर्सेस, पर जितना एक्सपोज हो रही हैं वहां से उतना ही ज्यादा अमेरिका से पर्टिकुलरली भारत को प्रदूषित करने का जो काम चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। मैं कुछ एक आध उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप देखिए, अमेरिका में एक स्टेज थी, अब तो नहीं है, कम्युनिस्ट बैन थे अमेरिका, उन पर बैन लगा हुआ था। उसके बाद लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस पहले यूं आता है कि इंडिया में जो इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कहने में थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है, वो चाहते थे कि लोग उन्हें बोले, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत में शिक्षा गढ़ी और सबको भ्रष्ट करने की कोशिश की शैक्षणिक तौर पे, उसको अमेरिका ने प्रश्रय दिया। लेफ्टिस्ट, पहले हिस्टोरियंस, जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी का निर्माण, और उसके अंदर जो लोग हैं वहां तो कम्युनिस्ट मूवमेंट बैंड है और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको वहां महिमा मंडित अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में किया जाया। वहां पर ऐसे ऐसे लेक्चर्स दिए गए ये दिखाने के लिए कि ये भारत की जो सभ्यता है ये तो बहुत विकृत थी, इसका डेवलपमेंट तो मिडिल एजेस के बाद, जब मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की तभी यहाँ आर्किटेक्चर बढ़ा था। उन्होंने कभी नहीं बात की कि
किस तरह से यहाँ पर हमारे जो शिक्षा केंद्र थे, चाहे तक्षशिला चाहे नालंदा, इनको कैसे खत्म किया गया, लाखों लाखों पुस्तकें जला दी गई, कैसे हमारे मंदिरों का विनाश किया गया। मैं भोपाल में रहता हूँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना। आप अयोध्या मत जाइए, आप बनारस मत जाइए, भोपाल से लगा हुआ है विदिशा। विदिशा में एक इमामबाड़ा है, वहां चले जाइए, वहां खुदाई होती है तो नीचे आलीशान मंदिर निकला। खुदाई नहीं होती है वहां पर, जो है पानी से वो गिर जाता है, हर जगह निकल आता है। जगह नहीं किया इन्होंने, उनको ध्वस्त करके गिरा करके उस पर अपनी आबादी बैठाई, पूरे देश में ये हुआ। तो ये क्या बर्बरता नहीं है? क्या ये ऐसे ही हो गया बिना तलवार की नोक पे हो गया? चार चार ये वाली बात बताई नहीं जा रही, और बताए और बिना बताए उनके नाम पे तो रोड के नाम रखे जा रहे हैं, उनको उनको तो जो है ना वो कहा जा रहा है, उनकी तो स्तुति गान की जा रही है। मैं आपको एक और बताऊं कि अगर कश्मीर में जिस तरह से वहां कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को वहां से भगाया गया, तब से लेके आज तक मैंने किसी सोशल मीडिया में एक भी मुस्लिम को नहीं देखा उसने उसके विरोध में कुछ लिखा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अगर किसी ने लिखा तो इसके इसके लिए हमें ऐसे जो है दोगले मुसलमानों को जो राष्ट्रीय विरोधी हैं, उनकी हमें खुले तौर पर भर्त्सना करना चाहिए, और कोई तो भर्त्सना करेगा ना, तब तो इस बात को हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि हम भोपाल में हमारी शिक्षा हुई, हमारे हर कौम के लोग हमारे मित्र हैं, फेसबुक पे हम लोगों ने जब शुरुआत की तो सब हमारे कांटेक्ट थे, और एक ये स्टेज आ गई जब हमने मुद्दे उठाने शुरू किए, चाहे कश्मीर के चाहे मंदिरों के। आज मेरे कांटेक्ट लिस्ट में मुसलमान होंगे पर एक एक्सचेंज सेंटेंस का भी नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों, सब दूर भाग गए। इस एपिसोड का जो है समापन करते हैं इस बात से कि सीएफबी जो है एक और विंग को क्रिएट करेगी और मॉड्यूल को क्रिएट करेगी हिस्ट्री को रीराइटिंग का। हमें इसकी जरूरत नहीं है कुछ करने की, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर चीजें बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना किताबें जो लिखी हुई हैं जो कि बेन थी, जिनको लोगों को कभी एक्सेस नहीं थी, उस पर रिसर्च करके क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सब जो है बहुत ही ऑथेंटिक ढंग से सामने ला रहे हैं। हम एक सीएफबी की जो है सत्य हिस्ट्री की स्थापना, एक मॉड्यूल जो है ना आज निर्मित करने का, एक और हम जो है एक मॉड्यूल खोलते हैं जिसमें हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो कि जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, जिससे उनकी रिसर्च एक सीएफबी प्लेटफॉर्म जो कि एक गोइंग टू बी ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम उसे आगे ले जा सकेंगे। आज के सेशन में हिस्ट्री पार्ट के ऊपर जो है यहीं पे विराम देते हैं। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि कृपया जो बातें चर्चा हुई हैं उन पर विचार करें, यदि आप सहमत हैं तो आप YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करें। क्राइम फ्री भारत के जो विभिन्न मॉड्यूल हैं, एक क्राइम फ्री भारत सेल्फ जो मॉड्यूल, देन क्राइम फ्री एग्रो भारत, क्राइम फ्री आयुष भारत, क्राइम फ्री इंफोटेनमेंट भारत, क्राइम फ्री ई कॉमर्स भारत, क्राइम फ्री नाउ पुनरिथियास या सत्य स्थापित का स्थापना भारत, ऐसे ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं, इनके बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि अभी तक आपने YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और इसे सिर्फ पैसिव रूप में मत करें, इसमें अपनी भूमिका खोजें। ये अच्छी बात नहीं है कि पड़ोस में जो है ना सरदार भगत सिंह पैदा हो, हमें खुद सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी सरदार भगत सिंह बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये कुर्बानी नहीं देंगे हम अच्छे भारत की पुनर्स्थापना नहीं कर पाएंगे। ये इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस जो कि बाहर से जा रहे हैं वो यहाँ पर यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को खरीद कर उनसे सब लिखवा रहे हैं, तो जहां से जो है पैसा जहां ज्यादा आ रहा है उन एनजीओस के लोगों के चरित्र देखे जाए, और ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि उनकी रिपोर्ट्स सीधे वहां पहुंच जा रही हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ना सबमिट नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को चाहिए कि उन सब की जितनी भी रिपोर्टें भेजी गई हैं उनकी एक एक कॉपी प्राप्त करें, यदि वो कॉपी यहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसको जो जहां विदेश में भेजी गई वहां से प्राप्त की जाए, जिससे हमारे जो दुष्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो जो है उनको सबक मिलना चाहिए। यस प्लीज।
आपने क्लोज करने जा रहे थे, फिर भी मेरे मन में आया, जैसे आपने कहा जो दुष्ट लोग हैं जिसको किस तरह से महिमा मंडित किस तरह से उन्हें सपोर्ट करके, कुछ नाम भी आ रहे हैं मेरे जहन में, अरुंधति अवार्ड्स देना, अमेरिका में महिमा मंडित करना, रुपए पैसे से उलेड़ देना, और उसके बाद उनका नजरिया क्या है? वो तो कहते हैं ये तो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मॉइस्ट लोग, कश्मीर के टेररिस्ट लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बार बार अरुंधति कहती आई। और ऐसे व्यक्ति के लेख हिंदू जैसे अखबार में फुल पेज आर्टिकल्स छपते हैं और उनको प्रसारित किया जाता है। चिन्हित किए जाने चाहिए वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जो लगी हुई है इस तरह के काम करने में, और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और समाज को बता दिया जाना चाहिए, आगाह कर दिया जाना चाहिए इन शक्तियों से, चिन्हित करके। अब वो समय आ गया है, हवा में बात करने की जरूरत नहीं है, नाम लेके चिन्हित करके सबको बताना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जो इस देश के दुश्मन हैं और देश का कि जन जन के अधिकारों पे इस तरह से उठा रखा कर। मैं चाहूंगा कि हमारी जो सीएफबी की जो हिस्ट्री विंग है इसको जो है आप सुरधारी करें, आपके लीडरशिप में जो है ना उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, और उन्होंने जो ऑथेंटिक वर्क किया है उसको तमाम माध्यम से जो है ना पब्लिक तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जो दुष्ट शक्तियां हैं जिन्होंने आपके लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति का जो है ना पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, साजिश थी कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी राजघाट में ना हो। जब श्रीमती शास्त्री जी ने धरने की धमकी दी, आमरण अनशन की धमकी दी, तब जो है शासन डरा और उनका जो है राजघाट में अंतिम संस्कार किया गया, जो कि नरसिम्हा राव जी को नहीं मिला। नरसिम्हा राव जी इतने अत्यंत विषम परिस्थितियों में इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो लिबरल इकोनॉमी को स्थापित करने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, अल्पमत की सरकार होते हुए भी उन्होंने पूरे 5 साल उसको रन किया, और इसके बावजूद भी कुछ शक्तियां नहीं चाहती थी तो उनका जो है मृत शरीर सौ जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में भी प्रवेश नहीं कर पाया। उनके घर की इच्छा थी, सबकी इच्छा थी कि उन्हें भी जो है ना राजघाट में उनका अंतिम संस्कार हो, इन शक्तियों ने ऐसा नहीं होने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की आपने बात करी, ये लगातार कांग्रेस का शासन रहा, इनने एक रूल बना लिया था कि कोई भी फॉरेन का डिग्नेटरी दिल्ली आते थे तो उनको वो गांधी की समाधि पे और नेहरू की समाधि पे ले जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पे कभी नहीं लेगा किसी डिग्नेटरी। इट हैज टू बी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें मेरे ख्याल से कहीं ऑथेंटिक रिकॉर्ड करके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको जितना भी अपन इन्वेस्टिगेशन करें तो ये बात जाहिर हो जाए। चलिए तो आज हम इस चैप्टर पे प्रथम जो है ना बात हुई है, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।